तो भाई अभी निकल गए हैं कैब से पुरानी दिल्ली के लिए, वहीं से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। ये भाई अपने आदित्य भाई, कुछ बोल रहे गुरमीर भाई, और ये क्या नाम है, क्या नाम गुरमीर भाई, डर लग रहा है उसे कोई लूट के ना ले जाए। तो अभी चलते हैं अपना नीचे भाई, चलने का उसे पता चल रहा कोई ले गया हमारे पैसे, उसकी चिंता थोड़ी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो होपफुली यार आप सब चिल कर रहे होंगे। तो आप सब ने मेरी केरला की ब्लॉग तो देख ही लिए होंगे जब ये ब्लॉग देख रहे हो, तो बताना भाई केरला का ब्लॉग कैसा लगा। तो भाई जिसने नहीं देखे ना उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का केरला की, मैं बना के डाल चुका हूँ। फिलहाल आज है 2 तारीख जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:12। भाई अभी जस्ट उठा हूँ मैं, और मेरे को याद आया कि भाई मेरे को व्लॉग स्टार्ट करना है अपने, मैं रात को करना भूल गया था क्योंकि कल रात को मैंने 2 वीडियो एडिट करके लगाई थी अपनी केरला वाली, क्योंकि मैं 3 दिन के लिए फिर कहीं जा रहा हूँ, तो बैकअप रहे मेरी वीडियो लेट ना हो आपके पास आने से। तो हाँ मैं जा कर रहा हूँ, उसकी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी जस्ट उठा हूँ, मेरी 8:15 की ट्रेन है, और भाई लिटरली मैं लेट हो चुका हूँ। मेरे 2 दोस्त अभी तक पूछा था पता नहीं है, तो मैं सबसे पहले जाके नहाऊंगा भाई, तभी कुछ हो पाएगा, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो भाई देखते हैं क्या रहेगा, सबसे पहले नहा के आता हूँ फिर ही बात करते हैं। तो बस भाई सब टाइम से मैनेज हो जाए, वरना बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ट्रेन का भी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं लिटरली ट्रेन में फर्स्ट टाइम बैठूंगा, आपको लग रहा होगा मजाक करूँ या कुछ, बट नहीं भाई मैं लिटरली ट्रेन में फर्स्ट टाइम बैठने वाला हूँ। मैं आज से पहले नहीं बैठा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखते क्या रहेगा, फिलहाल भाई पहले मैं नहा के आ जाऊँ फिर बात करता हूँ। अभी मम्मी गूंद रही है आटा हम सब के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं ना, तो मम्मी पैक करके दे रही है खाना। यहाँ मम्मी ने बना दिया आलू की सब्जी, जो कि देखते कैसे। अच्छा कच्चे आलू है, उबले हुए आलू है। तो ये उबले हुए आलू है, और मम्मी हमारे लिए बना रही है पराठा सबके लिए, दोस्तों के लिए। तो देखते क्या रहेगा, कब तक बन जाएंगे ना, लेट तो नहीं होंगे? नहीं तो लग रहा है लेट हो जाऊँगा। तुम अपने लेट हो गए, मेरी तरफ से लेट नहीं। चलो देखते हैं भाई क्या रहेगा। तो भाई फाइनली हो चुका हूँ तैयार, और भाई बहुत लेट हो गया है, ओनली 6 हो चुके हैं यार, और हमें निकलना था 6 बजे। तो और अभी ना मेरे दोस्त है ना मेरी पूरी पैकिंग हुई है, तो भाई बहुत डर लग रहा है। जस्ट तैयार ही हुआ हूँ, बस नॉर्मल कपड़े पहने यार जिसमें मैं रिलैक्स रहूँ, क्योंकि ट्रेन में यार 10 घंटे का सफ़र पूरा करना है, तो मैं चाहता नहीं था सही रहे। तो अपनी नॉर्मल पहन ली है शर्ट, और नीचे ब्लैक टी शर्ट, और ये नई इसकी मैचिंग की ब्राउन पैंट जो भी लगा लूँ। तो फिलहाल अभी मम्मी नाश्ता लगा गई, अभी खाऊंगा भाई, अभी तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि ये सारी पैकिंग रह रही है मेरी। तो पहले अपना बैग पैक करता हूँ, फिर देखते क्या रहेगा। बैग में मैं अपना थोड़ा बहुत सामान रख लूँगा, गोप्रो वगैरह, और इस वाले बैग में हो गए मेरे कपड़े जितने भी है दो या तीन दिन के, और इस वाले बैग में ले जाएंगे खाना। तो भाई फाइनली अपनी कैब आ चुकी है, वो ही सामने, तो हम तैयार है भाई जाने के लिए। तो भाई अभी निकल गए हैं कैब से पुरानी दिल्ली के लिए, वहीं से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे अमृतसर के लिए। तो मैं बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम अमृतसर जा रहे हैं, तो वहीं रुकेंगे 2 या 3 दिन। अभी फ़िलहाल जस्ट निकले हैं घर से, तो यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, तो चलते हैं अपना। और मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त जा रहे हैं, तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये भाई अपने आदित्य भाई, कुछ बोलो गुरमीर भाई, क्या नाम है गुरमीर भाई। बाकी गुरमीर को तो आप जानते होंगे, आदित्य को कम व्लॉग में देखा होगा, तो देखते हैं भाई कितना फन रहेगा। तो बस अभी जस्ट निकले हैं, तो देखते हैं कैसी रहेगी ट्रिप। हम टाइम से तो पहुंच ही गए हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस भाई सेफ जर्नी रहे और क्या। हाँ तो भाई बस पहुँचने वाले हैं, 2 मिनट का रास्ता रह गया, 2 या 3 मिनट का। तो भाई मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ट्रेन में, तो देखते हैं क्या रहेगा, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, जैसे तैसे करके पहुँचेंगे। बस ये है कि हम थोड़ा पहले पहुँच गए हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। तैयार हो ना भाई? तैयार हूँ मैं तो भाई, बिल्कुल तैयार है भाई, मजे ले लेना भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हाँ फ्लाइट पहली बार, ट्रेन पहली बार। भाई मैं ट्रेन में पहली बार बैठा हूँ, पहली बार नहीं, बस में तो बैठा हूँ, देख खूब बैठा हूँ, झूठ के बोलो तो उसका ब्लॉग भी। तो चलो भाई कैब से उतर के आपसे बात करते हैं। तो भाई अभी आ गए स्टेशन के अंदर, तो चल रहे अपना आगे प्लेटफॉर्म 15 पे जाना है ना। अरे पता लगा 15 पे जाना। अच्छा बोल रहे 15 पे जाना है, तो आगे चल रहे अभी प्रॉपर 7 बज चुके हैं। भाई कैसा लग रहा है? बस भाई बढ़िया लग रहा है, पहली बार ट्रिप है दोस्तों के साथ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। तू बता भाई, भाई मजा आएगा, देखो तेज बोल थोड़ा। मैं कह रहा हूँ मजा आएगा, मजा आएगा ना, लेने पड़ेंगे, लेंगे कोई इससे मजे लेने हैं। बड़ा हरामी हो बेटा, अगर दोस्तों में मजे लेंगे बस बात कर। भाई अभी प्लेटफॉर्म 15 पे जाना है, बस हम जाए जा रहे हैं। 15 ही होगा, 16 ही होगा, 15 ही जाना है। इधर चलना, 15 लिखा है इस तरफ है, उतरना है। अभी प्लेटफॉर्म 15 पे आ गए हैं और बैठे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन नहीं आई है। तो अभी ये दूसरी ट्रेन खड़ी है, ये जा रही है बरेली, तो ये हमारी नहीं है, बाकी ये खड़ा हुआ है और ये बैठा है।
कब तक आएगी भाई ट्रेन? आएगी यार आधे घंटे। ओ भाई तू क्यों खड़ा है भाई? जगह नहीं है। बैठो यार तुम, यहाँ बैठो यार तुम। नहीं भाई ठीक है। तो अभी तो चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। बाकी भाई मेरे तो फर्स्ट टाइम था, तो इतनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से, उल्टी आने को हो गई। ऐसी बदबू आती है क्या? ऐसी बदबू आती है भाई। चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं क्या सीन है। यहाँ तो बदबू आ रही है, आगे चल के देखते क्या रहेगा। तो भाई मैं तो फर्स्ट टाइम आया था रेलवे स्टेशन, तो ठीक ठाक ही लगा। बाकी भाई इन्हें भी दिखा दूँ क्या वो चीज़? भाई वो देख भाई, यहाँ देखो बंदे नहा भी रहे हैं भाई। मैं तो देख के लिया यार, ये सही है, यहाँ नहा लो, सब कर लो, सब चीज़ है भाई। मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी रेलवे स्टेशन की, कहीं भी जाके नहा लो। अगर सारे ऐसा एयरपोर्ट पे कर देगा ना कोई, फाइन बढ़ते बढ़ते जिंदगी खत्म हो जाएगी। देख रहा है पीछे कैसे नहा रहा है पीछे? बेटा इतना करने के लिए गुदा चाहिए। तो भाई मैं फर्स्ट टाइम पटरी को इतने पास से देख रहा हूँ, और हम ट्रेन की बिल्कुल एग्जिट पे आ गए हैं। तो भाई यही लाया है हमें। बाकी भाई बड़ा प्यारा व्यू सा लग रहा है भाई। मेरे को देख कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो भाई तुम दोनों देख लेना ट्रेन का, ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, तुम्हारे बतन साथी हो। बाकी भाई मेरे को तो सही सही सा लग रहा है। चलो भाई देखते हैं हमारी ट्रेन कब तक आएगी। बाकी यहाँ थोड़ी आवाज़ पटरी होगी, ट्रेन के थोड़ा पास है इंजन के। बाकी भाई मेरे को तो थोड़ा मज़ा आ रहा है, बाकी ट्रेन के अंदर बैठ के पता चलेगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं हमारी ट्रेन कब तक आएगी, फिर ही बात करता हूँ। अभी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था, तो हम थोड़ा रेलवे स्टेशन घूम रहे हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूँ। बाकी भाई बहुत बढ़िया है, जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा है। ये देखो भाई कितनी सारी ट्रेन है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एक साथ कितनी सारी ट्रेन, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ही है भाई। बाकी भाई बहुत दूर दूर तक है, बहुत सही लग रहा है यार ये, है ना? सही है ना यार? बहुत बढ़िया भाई। हम ऊपर इसलिए आए थे, हमें लगा भाई हमारी ट्रेन कैंसिल है, बट हमने अब बोर्ड पे पढ़ लिया, हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पे आ रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अभी हमारा एक दोस्त पूरा नीचे अकेला खड़ा है, तो हमें डर लग रहा है उसे कोई लूट के ना ले जाए। तो अभी चलते अपना नीचे भाई, चल रहे उसे पता चल रहा है कोई ले गया भाई हमारे पैसे, उसकी चिंता थोड़ी है। साले को बम से उड़ा दूंगा, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो कोई भी छोड़ देगा परेशान होके। बाकी देखो ये लिखा रहा है 2249-815 पे आ जाएगी, तो चलो चलते हैं अपना। तो भाई अभी का सीन ये है, हम जा रहे हैं गुरमेर के पास। हमने उसे बोला था भाई कोई भी सीन हो ना तो तुरंत हाथ छोड़ दियो, चिल्ला दियो। तो हमने प्लान करा है कि ये उसका पीछे से जाके हाथ पकड़ लेगा और उसका रिएक्शन देखेंगे। तो भाई चलो ट्राई करते हैं भाई, सही से करियो, अगर हाथ वाथ छोड़ दे रहा तो बच जाइयो। बाकी भाई चलते हैं, अभी हमें पता नहीं कहाँ बैठा है वो, पीछे से जाके धप्पा करेंगे उसे। वो थोड़ा अभी आगे बैठा है, दिख नहीं रहा होगा, तो हम थोड़ा पास चलते हैं, पीछे से जाके बस आगे करके थोड़ा बोल दो हे हे ऐसे करके। भाई वो बैठा है, उसे कुछ हो रही है तो ये जाने वाले हो ऐसी उम्र कर रहे हैं ये बैठा भाई। भाई डर नहीं लगा हमने तेरे पे एक्सपेरिमेंट करा? भाई बिल्कुल डर लगा, मैं तो फोन ही मारने वाला यार, मार देता वीडियो वायरल हो जाती है हमारी। नहीं भाई मतलब फोन पकड़ लिया था इसने तेरा सीधा, बहुत चला के यही काम करते क्या पार्ट टाइम में। तो भाई फाइनली अपनी ट्रेन भी आ गई है ये री। तो भाई ये री अपनी ट्रेन जा रही है अपने कोच की तरफ, तो हमें D5 पे जाना है, तो चलते हैं अपना कहाँ पे है तो देखते हैं। अभी वैसे कोई नहीं आया है, हम ही सबसे पहले हैं, बाकी बंदे तो घुस गए लोकल वाले। चलो भाई जल्दी देख ले D5 कहाँ है। ट्रेन की टिकट बुक करी थी, एसी वाली है ना? एसी वाली है, सही है भाई, एसी में बैठ के जाएंगे अपना 10 घंटे। तो भाई फाइनली अपनी ट्रेन चल पड़ी है यार, भाई बहुत ही सही लग रहा है, तो फुल स्पीड में बढ़ चुकी है, मजा आएगा मजा। ट्रेन चल पड़ी है, अभी झटके लगेंगे तेरे को। तो भाई फाइनली अब यहाँ पे हमें 6 घंटे बैठने लगा था ना, 6 या 7 घंटे बैठने का, लेट हो गई तो 10 भी हो जाएगा। तो चलते हैं, अपना ब्लूटूथ काम आएगा तो उसी से गाने सुनते सुनते चलेंगे। रेडी रेडी। तो भाई अभी चलते चलते हमें हो गया है पूरा 1 घंटा, तो हम 1 घंटे से बैठे हैं और मजे कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं भाई फुल मजा आ रहे हैं, इससे ज्यादा मजे तो आए नहीं होंगे पहले ट्रेन के सफर में। ट्रेन के सफर मतलब दोस्ती में अलग मजा है, ठीक है ना? अभी तो शुरुआत हुई है, अलग है दोस्ती में अलग है। तो भाई अपने इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं हम दोनों, खूब मजे ले, एक कार्टून देख रहा हूं मैं, कौन सा कार्टून देख रहा है? डोरेमोन देख रहा है, गुड्डी अबे डोरेमोन देख, ये एक नया कार्टून आया है गुड्डी घर की, खूब देख रहा है, मतलब ये एनिमे देख रहा है, हमें पसंद नहीं है। नहीं यार एनिमे नहीं, देखते हैं भाई। तो भाई देखते हैं कितना टाइम लगेगा, अभी तो 10 भी नहीं बजे, तो 3 बजे तक हम पहुंचेंगे। तो भाई बढ़िया मौसम हो रखा है और भाई बढ़िया मज़ा आ रहा है, ये देख लो भाई टाइम।
टाइम भाई 10 भी नहीं बजे यार। बाकी भाई अपनी ट्रेन सही है, बढ़िया वाली है, भाई साहब ने बढ़िया बुक करी थी, अपनी महंगी बातचीत है। तो भाई विंडो सीट मेरी थी, पर अभी इसने लड़की ले ली है, बट एक घंटे बाद इसे हम हटा देंगे। एक घंटे बाद चलेगा इसका राज, एक घंटे के लिए, तो फिर मैं बैठूंगा। भाई मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को तो मज़ा आ रहा है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तेरे को फर्स्ट टाइम कैसा लगा था? बढ़िया था, नॉर्मल। बस भाई तब दिक्कत लगी थी, इससे पहले वाले ट्रेन में ना बदबू बहुत आ रही थी, हमारी ट्रेन तो सही है भाई, क्लीन एकदम। बाकी एक साथ हमें टिकट मिल गई है, एक साथ मतलब जगह मिल गई तो सही है। बाकी अपने इंस्टाग्राम में लगा रहता है, पता नहीं क्या सीन है इसका, पता नहीं देखो किससे बात कर रहा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है भाई, लड़की का चक्कर। चलो भाई थोड़ी देर हम सो जाते हैं, एक दो घंटा, फिर बात करते हैं। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है हमारा, तो सो लेते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं 11:30 और हमें लग रही है भूख, तो हम खाना खा रहे हैं इस वक्त। भाई अभी हमने ऑर्डर करे है बाहर से, तो भाई कितने के पड़ेगी? 250 रुपये। और ये मैं अपने घर से लाया था पराठे और ये आलू की सब्जी और ये अचार। तो चलो भाई खाना स्टार्ट करते हैं, दिखा भी दे खा रहे तो भाई यहाँ फ्रूटी लेने आए हैं, एक ही ले ले, एक ले ले, पर लोकल लग रही है भाई, लोकल ही ले। तो भाई ले ले, जल्दी ले ले भाई, ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। कितने की है? 40। जल्दी ले ले भाई, जल्दी चल लो यार ट्रेन में, ये ले आएगा, हम दोनों चलते हैं, हम अपनी सेफ्टी रखते हैं भाई, चारे को नहीं छोड़ना चाहिए भाई, चारे को। भाई यहाँ तो पेटीएम कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बड़ा बेकार है, एक पैसा याद रखेगा है ना, थोड़ी ये तो कट हो जाएगा पार्ट। तो भाई अभी ये लिया हमने पीने के लिए, अब इसमें लड़ाई होगी इसकी, ये ज़्यादा पीता है अब सी। तो अभी तक इनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है भाई, क्यों लड़ रहे हो इतना दोनों तुम? भाई फोटो शूट नहीं कर रहा ढंग से। भाई कर दे यार तुम इसकी फोटो शूट, शक्ल अच्छी नहीं। अरे वाह। तो भाई अभी एक सेल्फी ले रहे हैं, भाई ने मेरा चश्मा ले लिया, मैंने कहा चलो दे देते हम, खिंचवाते रहते हैं फोटो। बाकी भाई देख लो ये दूसरी ट्रेन है, हमारी ट्रेन ये रही, इसमें भाई बैठे बैठे थक चुके हैं। कितनी देर से बैठे बताइयो? 8 बजे बैठे, लगा ले मतलब 3-4-5 घंटे, 5 घंटे। भाई हवा टाइट हो गई, बोर भी बहुत हो रहे हैं, अब थोड़ा रिलैक्स मिला है। लुधियाना पे थोड़ा 10 मिनट का स्टॉप था तो ही बाहर आए, वरना मम्मी ने मना करा था कि ऐसे बाहर मत जाइए, मम्मी डांटेगी जरूर ये व्लॉग देखने के बाद, पता नहीं कब आएगा ये व्लॉग पर। तो भाई अपना वापस जा रहे हैं ट्रेन के अंदर, अभी टाइम हो रहा है 3:30 और हम पहुंचने वाले हैं बस 10-15 मिनट में। तो भाई बहुत टाइम हो गया आज बैठे बैठे, थक गए हैं, ये तो ऐसे बैठ गया अपनी सीट खोल कर और ये पीछे चला गया था, अब बैग उतार रहा है। तो मैं भी जल्दी से जूते पहनता हूँ और ट्रेन से उतरते हैं अपना। भाई कसम से 4 घंटे से ऐसे ही बैठे हुए हैं भाई, पीठ अकड़ चुकी है पूरी, हवा टाइट है ना, बहुत ज़्यादा थक गए यार आज, बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा ट्रैवल करा ही नहीं हमने भाई, इसके यार एसी वाली करनी चाहिए थी, एसी वाली तो है वहाँ पर कम हवा, ये गुप्पू बैठा है ना, गुप्पू गलत काम कर रहा है। क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ थका नहीं तू? बहुत ज़्यादा भाई, तू तो आराम से लेट है पीछे, टायर्ड हो गया, पीछे वाला सिस्टम भी कर दिया है इन्होंने, सड़ा दिया बिल्कुल। तो भाई फाइनली हम अमृतसर आ गए हैं, अब अपना बैग वैग उठा के यहाँ से निकल रहे हैं भाई, बहुत लेट हो गए, तो चलो। तो बहुत लंबी जाम थी, फाइनली पहुंच गए यार, भाई बहुत मेहनत लग गई ना यार, मेहनत लग गई, थक गए भाई कितना, वो मेहनत ही है भाई, फाइनली हम अमृतसर के स्टेशन पे आ गए। तो हुई क्या बात हो गई? कुछ नहीं भाई, अरे बताइयो, फ्रेश होना है ना, यही सड़ा रहा था भाई, इतनी गंदी गंदी सड़ा है भाई, चाहे तुम कुछ भी कह लो पर मैंने नहीं करा भाई, किसने करा बता दे, भाई लिटरली इतनी गंदी बदबू आ रही थी ना, जीना आराम हो गया हमारा, कुछ भी कह लो भाई मैंने नहीं किया, तोड़ दी कार, सब तोड़ दिया पर इसने बदबू नहीं छोड़ी। भाई ये रहा छोटा गोल्डन टेम्पल, आपको बाद में बड़ा दिखाएंगे।